तो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो हैकर। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक रॉकेट जो कि चलेगा सिर्फ और सिर्फ हवा और पानी की मदद से। तो फ्रेंड्स, इस रॉकेट को बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी बोतल की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई सी भी बोतल ले सकते हैं, जो बड़ी बोतल 2 लीटर वाली आप वो भी यूज़ कर सकते हैं और छोटी भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए आपको एक तो बोतल चाहिएगी, दूसरी एक ऐसी नोजल बनानी पड़ेगी आपको, ये मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। और फ्रेंड्स, जो आपने वीडियो और भी चैनल पर यूट्यूब चैनल पर पक्का देखी होगी, पर इस वीडियो में हम इसको कुछ और इसमें एडिशन करने वाले हैं। हम इसको यूनिक बनाने वाले हैं, इसमें और कुछ हम एडिशन करेंगे, हम वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। तो लेट्स बिगिन। तो हमारे इस रॉकेट को बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ है वो है ये नोज़ल। ये नोज़ल आपको किसी भी साइकिल वाले की दुकान से मिल सकती है, जो पंचर वगैरह लगाते हैं साइकिल के। ये फ्रेंड्स, नोज़ल मुझे तो 10 रुपीज़ में मिली, आपको 5 या 10 रुपीज़ में मिल सकती है। तो ये रॉकेट टोटली काफ़ी सस्ता होने वाला है। तो हमने सिंपली करना क्या है, इस नोज़ल को इस कैप के अंदर, हमारे बोतल कैप के अंदर बिल्कुल अच्छे से फिट कर लेना, ताकि इसमें से हवा बाहर ना निकले। तो मैंने इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे ट्यूब्स लगा रखी हैं, ताकि इसकी बिल्कुल सेफ्टी हो जाए और हवा बिल्कुल इसमें से बाहर लीक ना हो। तो सबसे पहले हमने इसको इसके अंदर फिट करके अच्छे से इसके ऊपर ऐसे लगा देना है। उसके बाद जो हमें साइकिल में हवा भरने वाला पंप होता है, उससे हमने हवा भरने पर हमने हवा भरने से पहले इस बोतल को 1/3 पानी से भर लेना है। जैसे इतनी छोटी बोतल है तो हमने इसको यहाँ तक पानी से भर लेना है, और अगर हम बड़ी बोतल यूज़ करें जैसे 2 लीटर वाली, तो हमने इसको इतना पानी से भर लेना है। हमने 1/3 अपने हिसाब से बोतल को पानी से भर लेना है, और हमने पंप की मदद से इसमें हवा भर के इसके बाद में उड़ाएंगे। हम आपको बताते हैं आगे इसको कैसे उड़ाना है। तो फ्रेंड्स, मैं इस बोतल में हवा वगैरह भरने से पहले आपको बताया नहीं करता हूँ इसको कैसे उड़ाते हैं। इसको उड़ाने के लिए जैसे मेरे पास ये बोतल है और ये कैप लगाई हुई है मैंने इसके ऊपर, सपोज कीजिए इसमें मैंने पानी डाल के बिल्कुल हवा भर के अच्छे से इसको तैयार कर रखा है। तो हम इसके बोतल की कैप को यहाँ से अच्छे से पकड़ के इसको एक झटके से हमने ऐसे खोल देना बोतल को। पहले हमारी बोतल टाइट रहेगी पूरी, और फिर हमने एक झटके से इसको एकदम से ऐसे खोल देना ऐसे, ताकि एक झटके में इससे अलग हो जाए और जो सारे का सारा प्रेशर और पानी है वो एक ही बार में नीचे से निकले, ताकि काफ़ी लोग ऊपर जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको देखते हैं इसमें पानी बनी भरिए कैसे काम करती है। तो फ्रेंड्स, अब आपने रॉकेट की फ्लाइंग जो देखेंगे कि हमारा रॉकेट कैसे काम करता है। तो हम जो इसको एक लेवल और आगे लेने की बात कर रहे थे, वो मैंने इसकी बात की थी। फ्रेंड्स, जो रॉकेट है तो वैसे ही काम करेगा, बस हमने इसके ऊपर ऐसे ही कोन शेप का स्ट्रक्चर लगा दिया है, क्योंकि जो हमारे कोन शेप का स्ट्रक्चर है इसके अंदर है पैराशूट। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने यहाँ पे होल्ड ग्लू से अटैच करके इसके अंदर यहाँ पे पैराशूट लगा दिया है। ये जैसे ही ऊपर जाएगा, मैंने कोन शेप का स्ट्रक्चर लगाया, इसलिए लगाया ताकि एरोडायनामिकल इसको शेप मिल जाए। और मैंने इसको यहाँ से इसका टेप के साथ इसको अच्छे से अटैच कर दिया है। तो हम इसको ऐसे पैराशूट को रोल करके इसके यहाँ पे रख के इसको ऐसे बंद कर देंगे कुछ इस टाइप से। तो जब हम इसको ऊपर फायर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, कुछ इस टाइप से अपना खुल जाएगा और ये पैराशूट बाहर निकलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसकी भी टेस्टिंग कर लेते हैं कि अच्छे से काम करता है या नहीं। अगर फ्रेंड्स आपका आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए अब इसकी भी टेस्टिंग करके देख लेते हैं।